सो गाइस, विशिंग यू ऑल हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। एंड ये न्यू ईयर आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लाए और आपको बहुत सारी हैप्पीनेस भी मिलेगी आपको। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम सबको विश करना चाहूँगा 1 जनवरी आज 2021 का ये साल काफ़ी महत्वपूर्ण साल है हमारे लिए, और ये साल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी रखता है। सो विशिंग यू ऑल गाइज हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। और मेरे चैनल पे 34 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि हम जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर गेन कर लेंगे, एंड ये हम पॉसिबल कर सकते हैं। सो थोड़ा टाइम लगेगा। सो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए क्योंकि इस दिन के लिए लोग एक साल तक का वेट करते हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम को फेस करने के बाद फाइनली हम यहाँ पे पहुँच पाते हैं। तो ये आप लोगों को लगता होगा डिफरेंट, साल आते हैं जाते हैं, महीना आता है जाती है, बट बदलना हमें पड़ जाता है, वक्त के साथ सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। सो आई होप आने वाले टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें की चेंजेस आने वाली है। वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ये भी था कि मैं आज के दिन इसे एज मेमोरी कह के मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि सो आने वाले दिनों में हम क्या चेंजेस करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं और क्या चीज़ें होने वाली है हमारे साथ में। तो ये काफ़ी बेहतर और ब्यूटीफुल तरीका से हम अपने लाइफ को आगे तक ले जा सकते हैं। सो आने वाले टाइम्स के अनुसार आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, एंड हमारे आने वाली और भी दिनों में से इस साल की कंप्लीट तक करने में हमें बहुत सारे अपनी ड्रीम्स को कंप्लीट करना है। ये टारगेट मेरा खुद से है कि मैं क्या क्या अचीव करना चाहता हूँ, और मैं इस साल इतना मैं कोशिश प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करूँगा। ये मेरे बोलने से तो नहीं होगा शायद, और आई होप कि मैं सारी चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस दूँगा कि मैं अपने हर काम को बहुत ही इम्पोर्टेंस के साथ करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करने की भी कोशिश करूँगा ताकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके, क्योंकि काफ़ी सारे डिफरेंट चीज़ें हो रही है और चीज़ों को मैं कंप्लीट भी नहीं कर पा रहा, तो मुझे लगता है एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के बाद में कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकती है। और इस साल मेरा एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो देखते हैं कि फैब तक में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपकी सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट हो जाए और 6 मार्क्स भी आ जाए, तो आने वाले टाइम्स में हम कुछ और भी चीज़ों को लेकर डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास तो काफ़ी ज़्यादा मेन तो हमारा फोकस यही चीज़ में रहेगा कि अपार्ट फ्रॉम माय जॉब, बट मेरी एक साइड स्टडी है और दूसरी साइड मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब के लिए कुछ अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करूँ, और अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ ऐसी चीज़ों को फीड करूँ सब्सक्राइबर्स को, ताकि उसके लिए भी कुछ मीनिंगफुल हो जाए। मेरे पास और 2 चैनल्स हैं, शायद मैं उस चीज़ में डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं कुछ और डिफरेंट चीज़ों के बारे में मैं कुछ अलग चीज़ें आपको फीड करूँगा। सो आपके लिए मैं वीडियोस और मैं कोई भी चीज़ें ऐसे भी फीड नहीं कर सकता मैं किसी को, ताकि वो जब तक कि वो चीज़ें आपसे रिलेवेंट ना हो, तो रिलेवेंट अगर नहीं होगी तो शायद आप देखोगे भी नहीं। तो मुझे लगता है कि कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए ताकि आपको भी कुछ रिलेवेंट लगे और मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा उससे। सो गाइस, ये साल हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इस साल का आज का पहला दिन बहुत ही ब्यूटीफुल। बहुत सारे लोगों ने तो ये न्यू साल को भी देख लिया, उन्होंने सेलिब्रेट किया। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि इस साल को देख भी नहीं पाए, चल रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट भी आएगी, और हमारा अपने आप पे फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीवेंट बनाएंगे। गाइस, विशिंग यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर।